उधर यमुनानगर पहुंचे सांसद नायब सैनी ने संत निरंकारी सत्संग भवन में बनाए गए ऑक्सीजन युक्त बेड केयर सेंटर की शुरुआत की है, जहां पर 40 बेड की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि पहले विपक्ष के द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रमित प्रचार करता था। कांग्रेस के बड़े लीडर बोलते थे कि वैक्सीन बीजेपी की है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठ बोलने में उनकी मास्टरी है। महामारी के समय में राहुल गांधी और विपक्षी दलों को 2-4 महीने राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान 8 महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, अब अगले 2 महीने तक ये देश के 80 करोड़ परिवारों को फिर से दिया जाएगा। इस पर 26,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी साहब, क्योंकि उसके पास मुद्दा नहीं है कोई, और मुद्दा नहीं है तो झूठ बोलने में उन्होंने मास्टरी की हुई है। जैसा मैंने कहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन शुरू हुई थी, राहुल गांधी साहब समेत उनके बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था और लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की है। उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं है, और मुद्दा नहीं है लोगों के अंदर झूठ बोलना उनका काम है, झूठ बोलने में वो मास्टरी की है। कोरोना का वैश्विक संकट है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 2-4 महीने इस राजनीति को ऊपर उठ करके जनता की सेवा में लगाएं। जैसे पहले देश